नमस्कार दोस्तों। इतने सारे सब्जियों के साथ आज मैंने सोचा कि क्यों ना इडली सांभर बनाया जाए, वो भी ट्विस्ट के साथ। मतलब इडली जो है हमारी वो दही सूजी वाली है, तो वही हमने ली सारी सब्जियां और थोड़ी सी भीगी हुई अरहर की दाल। सारी सब्जियां और अरहर की दाल डाली प्रेशर कुकर में, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। जी हाँ, हल्दी से कलर आ जाएगा सब्जियों में बॉइलिंग के टाइम पे। तो डाला खूब सारा पानी कि सारी सब्जी और दाल डूब जाए, और उसके बाद उसे रखा उबाल में। ये एक कटोरी दही में 2 कटोरी सूजी डाली, बेकिंग सोडा और नमक, और फिर इसे अच्छे से मिलाएंगे हम ताकि ये ब्लेंड हो जाए आपस में। दही कम है, सूजी थोड़ा ज़्यादा है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और फिर से इसे मिलाएंगे। अरे अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे इसमें ये, और ये थोड़ा सा थिन बैटर बनाएंगे क्योंकि हम इसे आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रखेंगे, तो ये थिक हो जाएगा। तो ये हमने बनाया थोड़ा सा पतला सा बैटर, जो कि भीगने के बाद आधे घंटे बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो ये हमने सारे लम्स हटाए दही के और सूजी के, और ये हम बन गया हमारा बैटर। अब आधे घंटे बाद ये देखिए बैटर थिक हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है इडली बनाने के लिए। तो जब बैटर तैयार है इसका, सब्जियां उबल चुकी हैं हमारी, तो अब हम करेंगे तेल गरम। और गरम तेल, तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये इडली और सांभर दोनों के लिए। तो इस तरह से हमने किया तेल गरम, और इसमें डाला हमने थोड़ा सा सरसों दाना, और डाला इसमें हमने मिक्स किया करी पत्ता। हाँ जी हाँ, ये है ड्राइड करी पत्ता जो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। तो जब सारे के सारे सरसों तड़क जाए, तो हमने निकाला ये तेल और ये बघार डाल दिया इडली के बैटर में, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारा तेल मिल जाए, सारे रिफाइंड ऑयल जो है वो दही सूजी के बैटर में मिल जाए। और इस गर्म तेल में हमने डाला टमाटर, और हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और डालेंगे हम MDH का सांभर मसाला। जी हाँ, 2 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया इसमें हमने, और ये हमारा मसाला हो गया तैयार। इसे बनाएंगे हम, थोड़ी देर और चलाएंगे। और ये डाला अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हमने इसे 2 मिनट चलाना है, जब तक कि ये जो ग्रेवी है, मसाला जो है, तेल ना छोड़ दे। तो ये देखिए इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम इसमें जो हमने हल्दी और नमक डाल के जो बॉईल की थी सब्जियां, वो डालेंगे इसमें, और इसे 5-7 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। तो इसमें अब बॉईल आना शुरू हो गया है, तो बॉईल आ गया है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी करेंगे आँच कम, और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सब्जियों में सारा रस चला जाए। ये देखिए सब्जी हमारी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इमली का पेस्ट। आप नॉर्मल मार्केट से इमली ला के उसे भी सोख करके और छन्नी में छान के उसका भी पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। मैंने रेडीमेड इमली का पेस्ट लिया है, ये मिला है इसमें। अब इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। अब सांभर का कलर और सांभर का ब्लेंड और सांभर की खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसे हम 5-7 मिनट और पकाएंगे। अब जब तक ये पक रहा है 5-7 मिनट, ये देखिए सारी सब्जियां गल चुकी हैं। तो जब तक ये 5-7 मिनट और पकेगा, तब तक हमने बड़े वाले प्रेशर कुकर में रख दिया है थोड़ा सा पानी। जी हाँ, मैं इडली बड़े वाले प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, मैंने अलग से सांचा नहीं ले रखा है। मतलब ये जो है इडली मेकर के, ये सांचा जो है इसको मैं इसमें डायरेक्ट कुकर में रख देती हूँ। तो इस तरह से हमने किया, इन जो इसके स्पेसेस हैं इडली के, इसको किया हमने ऑयल के साथ ग्रीस, और ये किया हमने फिल इडली इसके ऊपर। ग्रीसिंग करने से इडली आराम से निकल जाती है। तो हमने ये के ऊपर एक लेयर लगाई, और उसको कर देंगे हम फिक्स, और उसे फिर हम डाल देंगे कुकर में जिसमें पानी उबल चुका है। पानी बिल्कुल थोड़ा सा रखना है हमने, ताकि वो नीचे टच ना हो, इडली को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, उससे नीचे जो स्टैंड है, नीचे सबसे वाली लेयर के नीचे ही रहना चाहिए पानी। तो
तो ये उबलते हुए पानी में हमने रखी इडली और इसे हम ढक के रख देंगे और पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। ये लीजिए हमारा सांभर भी है रेडी, अब हम इसे करेंगे बंद। तो ये हमारा सांभर रेडी और ये हो गए 10 मिनट। इडली ऑलमोस्ट पकी हुई लग रही है, फिर भी हम चेक करेंगे टूथपिक से। ये टूथपिक डाली और ये निकल आई क्लियर, इसका मतलब हमारी इडली बन चुकी है। ये देखिए मैंने इसमें इनो नहीं डाला है, अगर आपको बहुत फूली हुई और फोकी फोकी सी चाहिए इडली तो आप इसमें इनो कप 1 सेशे या 2 चम्मच इनो भी इस बैटर में डाल सकते हैं आप, पर हम ज़्यादा पसंद नहीं करते वो। तो इस तरह से अब हम करेंगे सर्विंग। ये डाला मैंने सांभर और ये चाकू की मदद से इसको हमने निकाले इडली सांचे में से, और अब हम करेंगे प्लेटिंग। ये लगाई हमने इडली और हमारा इडली सांभर है तैयार खाने के लिए, झटपट इडली सांभर। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए ये झटपट बनने वाला इडली सांभर। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।